अकबर, अल्लाह अकबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हाल ही में मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो मानो देश में नफरतों का सैलाब आ गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इस नारे ने आधे देश को हिला कर रख दिया? ये नारा देश विरोधी नारा तो नहीं? या फिर ऐसा हो कि देश के जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार ने इस नारे पर बैन लगा दिया हो? इस देश के सभी देशवासी इस नारे को रोज सुनते हैं, और तो और दिन में 5 बार सुनते हैं। जैसे हर हर महादेव है, जैसे राधे राधे है, जैसे जय श्री राम है, वैसे ही अल्लाह अकबर भी है। चलिए आपको अल्लाह अकबर का मतलब समझाते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह महान है। लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि ये नारा आतंकवाद से ताल्लुक रखता है। लेकिन वहीं मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा ये बताना चाहूंगी कि ये अल्लाह अकबर आप और हम दिन में 5 वक्त यानी कि अजान के रूप में सुनते हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को शायद अब ऐसा लगने लगा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, जहाँ सभी धर्म के लोगों को एक समान माना जाता है, जहाँ रोज़ अजान होती है, जहाँ रोज़ पूजा होती है और जहाँ रोज़ गुरुद्वारे में पाठ भी होता है। अल्लाह अकबर प्रार्थना की शुरुआत और अंत में कहा जाने वाला शब्द है, जैसे हिंदू राधे राधे और ईसाई लोग एमिन कहते हैं। जैसे जय श्री राम कहकर कोई लिंचिंग कर दे तो उसमें प्रभु श्री राम के नारे का कोई दोष नहीं, वैसे ही अल्लाह अकबर कहकर कोई कुछ भी करके चला जाए तो अल्लाह अकबर कहने वाले एक समुदाय को ही आतंकवादी करार देना, ये कहाँ की सियासत है? किसानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और हर हर महादेव के भी नारे लगाए, लेकिन सवाल सिर्फ अल्लाह अकबर पर ही उठा, इसका जवाब आप जानते हैं। भागवत गीता के अनुसार अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, संयम, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं, यानी कर्मों से ही धर्म है। इसमें मॉब लिंचिंग, नफरत, मनमुटाव का कोई जिक्र नहीं, यानी धर्म नहीं कहता कि हम नफरतें फैलाएं। कोई व्यक्ति, कोई संस्कृति, कोई धर्म खतरे में नहीं है। यहाँ हम सब एक साथ एक समान मिलकर रहते हैं, और वास्तव में सभी धर्मों की ताकत यही है कि सब अमन और शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, तभी पूरे देश का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, कर्म की जगह धर्म धर्म की आवाजें उठाई जाएंगी, फिर कहा जाएगा कि आप खतरे में हैं, जुबानों से फूट डाली जाएगी, कोई अपने बाप को खो देगा तो कोई अपने बेटे को, अंत में अल्लाह या भगवान नहीं जीतेगा, जीतेंगे तो ये नेता और हारेंगे आप जो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं। यकीन नहीं आता? देखिए शुरुआत हो चुकी है। अब बात करें काम की, तो जनता वो काम कोरोना के वक्त देख ही चुकी है, कैसे अपने परिवार अस्पतालों में बेड के लिए तड़प रहे थे, कैसे कोई बाप अपनी 14 साल की बच्ची की लाश अपने कंधे पर लेकर जा रहा था, कैसे लोग ऑक्सीजन ना मिलने पर तड़प रहे थे और कैसे परिवार के परिवार खत्म हो रहे थे। उस वक्त कोरोना ने इंसानों की जान ली और अब महंगाई इंसानों की जान ले रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान तिल तिल कर मरने को मजबूर है। डिवाइड एंड रूल, आप और हम सब इस चीज को स्कूल में पढ़ चुके हैं। आजादी को लेकर भारतीयों द्वारा की गई 1857 की लड़ाई भले ही नाकाम रही, मगर इस जंग ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। देशव्यापी आंदोलन की पुनरावृत्ति को टालने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। मुस्लिम विरोध को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने समुदाय को 2 फड़ों में बांटने का षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। समुदाय के 2 मसलकों को बांटा, हिंदू और मुसलमान, और अपने तरीके से समुदाय के विकास की रणनीतियां बनने लगी। इससे जंग आजादी कई वर्षों तक कमजोर पड़ गई और हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। राकेश टिकैत ने वाकई अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाकर धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये बता दिया है कि किसानों को अल्लाह अकबर कहने में कोई तकलीफ नहीं, ना उन्हें हर हर महादेव कहने में कोई तकलीफ है और ना ही उन्हें वाहेगुरु में कोई तकलीफ है। उनका कर्म ही उनका धर्म है और उनकी मेहनत ही उनकी जात है। ये सदियों से चला आ रहा है, और अब इस नफरती जहर को आप सही ज्ञान यानी एजुकेशन से खत्म कर सकते हैं। अल्लाह अकबर का सिर्फ इतना अर्थ है कि अल्लाह नेक है, वह महान है। जिस ईद की सिवाई से नेताजी को कई आ जाती है, शायद ये बात नहीं जानते, पूरा देश ईद के दिन गले मिलकर सारे मन मुटाव मिटाकर वही सिवाई बड़े चाव से खाता है। वह इन सिवाइयों में हिंदू मुस्लिम नहीं देखता।
बांटो और राज करने वाले अंग्रेजों से जिन लोगों ने शिक्षा ली है वे अपने काम कर रहे हैं, जो पिस रहे हैं वह है आम जनता। इलेक्शन करीब है, समझिए दोस्तों कहीं ये रॉन्ग नंबर तो नहीं।